हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। आप लोगों को किसी भी एजेंट या फेक नॉन डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि सही तरीके से कैसे ऑफिसर बना जाता है। हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी मर्चेंट नेवी में आने के लिए इनकरेज या नया आने के लिए डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। मैं रियलिटी बताने वाला हूँ। किसी भी जॉब के अपने फ़ायदे अपने नुकसान और जॉब में आने का अपना एक प्रोसेस होता है, तो मर्चेंट नेवी के भी अपने फ़ायदे हैं। फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि बहुत अर्ली एज में यानी 20-22-23 के साल में आप डॉलर्स में कमाने लगते हो, लाखों में आपकी सैलरी हो जाती है। देश विदेश आप लोग घूमते हो, एयरप्लेन से आपका आना जाना होता है कभी जब आप शिप ज्वाइन करते हो, मतलब बहुत जल्दी आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो। एक तरीके से एडवेंचरस लाइफ भी मिलती है। कभी कभी आप घूमने जाओगे अलग अलग कंट्रीज़ में, तो कुछ पिक्स देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ायदों की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हो, ये न्यूयॉर्क की मेरी पिक है, काफ़ी पुरानी पिक है। न्यूयॉर्क द बुल ऑफ वॉल स्ट्रीट काफ़ी फेमस है। ये आप इसे देख सकते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। ये मैं हूँ, न्यूयॉर्क की पिक। ये पेरिस है, पेरिस में आईफिल टावर के ऊपर से मेरी पिक ली हुई है। ये आप देख सकते हो पीछे आईफिल टावर, ये आईफिल टावर के ऊपर टॉप पे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसकी एक पिक है। जब आप पोर्ट ऑपरेशंस करते हो शिप पे तब आपकी ये यूनिफॉर्म होती है। तो ये तो था, फायदों की बात करें कि आपको घूमने फिरने को बहुत कुछ मिलता है। आपको और कोई नौकरी ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको इतनी छोटी उम्र में इतने अलग अलग कंट्रीज देखने को मिले, जिसमें आपको और इतनी अच्छी सैलरी भी मिले साथ साथ में। अब बात करते हैं नुकसान की। नुकसान में आपको ये होगा, एक तो आप बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ से कट ऑफ हो जाओगे। अपनी फैमिली से काफ़ी टाइम तक आपको दूर रहना होता है, अलग रहना होता है फैमिली से। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपकी शिप निकल गई, आपका कॉन्ट्रैक्ट था 8-9 महीने का या 6 महीने का, मान लो ऑफिसर होगा आप तो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, आप 6 महीने तक आप अपनी फैमिली को नहीं देख पाओगे। आजकल तो चलो इंटरनेट्स वगैरह आ गए हैं शिप पे, लेकिन वो भी काफ़ी कॉस्टली है। इतने मतलब आसानी से नहीं मिलता कि भाई 599 में आपने 2 GB 3 महीने के लिए ले लिया पर डे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको 1 MB के लिए भी मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। प्लस आपके जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैमिली फंक्शंस होंगे, आप वो मिस करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। रिलेटिव्स में किसी की शादी वगैरह हो गई, आपका बर्थडे हो गया, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो गई, आपका बच्चे का बर्थडे हो गया, आपकी बीवी का बर्थडे, आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे, आपकी गर्लफ्रेंड के कुत्ते का बर्थडे, मतलब XYZ A to Z बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप मिस कर सकते हो। होली, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, मतलब कब कब आप रहोगे घर पे, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आधे से ज़्यादा या आधे तो वैसे मिस हो ही जाएंगी। और जब लंबी सेलिंग्स होती हैं तो लंबी सेलिंग में बस सब शिप चले जा रहे हैं। मान लो पैसिफिक ओशन में जहाज़ है, अब अकेला जहाज़ है, दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी, ऊपर आसमान, रात को अंधेरा काला, और कोई 10-10 दिन निकल जाते हैं, कोई दूसरा जहाज़ भी आसपास से नहीं गुजरता, कुछ देखने को नहीं मिलता। तो एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा बोरियत भी कभी कभी महसूस हो सकती है इसलिए फील्ड के अंदर, जब आपको बहुत ज़्यादा पोर्ट ऑपरेशंस नहीं मिल रहे हैं तो। अच्छा, अब बात करते हैं इसके प्रोसेस की कि इस फील्ड में आपको एंट्री कैसे लेनी है। देखिए, शिप पे 2 टाइप की जॉब्स होती हैं, एक क्रू लाइन और दूसरी ऑफिसर लाइन। अब इस वीडियो में हम क्रू लाइन की बात नहीं करेंगे, बात करते हैं ऑफिसर कैसे बनना है। तो ऑफिसर्स के अंदर भी 2 कैटेगरी आती हैं, डेक के ऑफिसर्स और इंजन के ऑफिसर्स। एक ऑफिसर्स होंगे जो डेक पे काम करते हैं और दूसरे जो इंजन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब इंजन डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनने के लिए एक अलग लाइन है, उसमें आपको मेरीन इंजीनियरिंग वगैरह करनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको डेक पे ऑफिसर बनना है। डेक पे ऑफिसर मतलब नेविगेटिंग ऑफिसर, आपको जहाज चलानी है आगे। तो डेक पे ऑफिसर बनने के लिए जो सबसे पहली जो कंडीशन है, आप 12th पास होने चाहिए और आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इन तीनों में आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए 12th के अंदर, और साथ में इंग्लिश के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डेक ऑफिसर बनने की, कि आपके 12th में आपके पास साइंस साइड होनी चाहिए, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और इन तीनों में मिलकर एटलीस्ट 60% आपका स्कोर होना चाहिए, और साथ में इंग्लिश में आपके एटलीस्ट 50% आपका मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या आती है, सेकेंड आप मेडिकली फिट होने चाहिए। आपकी आंखें जो हैं वो 6x6 की होनी चाहिए, आपकी आईज हों 6x6 की और मेडिकली फिट। थर्ड चीज़, आपकी जो उम्र है वो 17 से बड़ी और 25 साल से छोटी होनी चाहिए, यानी 17 से 25 के बीच आपकी उम्र हो। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप IMU का एग्ज़ाम दीजिए। IMU
जिसका फुल फॉर्म है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी चेन्नई के अंदर है और ये यूनिवर्सिटी साल में दो बार एग्जाम लेती है, IMU CET मींस इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये साल में दो बार एग्जाम होता है, एक बार अगस्त बैच के लिए और एक बार फरवरी बैच के लिए। देखिए दो बार एग्जाम होता है, एक बैच स्टार्ट होता है फेब में और एक अगस्त में। तो फेब में और अगस्त में जो ये बैचेस स्टार्ट होते हैं इनका नाम होता है DNS लीडिंग टू BSc इन नॉटिकल साइंस। DNS का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। सो DNS लीडिंग टू BSc इन नॉटिकल साइंस मतलब डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू BSc इन नॉटिकल साइंस। तो इसके एग्जाम देने के बाद जैसे मान लो कोई फेब बैच है तो फेब बैच के लिए इसके आप मान लो एग्जाम जो है वो जनवरी में हो जाएंगे और अगस्त बैच के लिए जो है वो एग्जाम जुलाई में हो जाएंगे। तो एग्जाम जुलाई में हो रहे हैं तो डेफिनेटली फॉर्म जो जून में निकलेंगे और जनवरी में अगर इसका फॉर्म निकल रहे हैं, जनवरी में अगर इसके एग्जाम हो रहे हैं फेब बैच के तो दिसंबर में इसके फॉर्म निकले होंगे। तो देखो आपको जो फॉर्म भरना है वो भरना है IMU CET का DNS के लिए डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। पेपर पैटर्न क्या है, 200 क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटों का पेपर होता है, ठीक है। 200 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का पेपर होता है और ये जो सिलेबस है सारा आपका 12th वाला सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये सब इसके अंदर आता है। पेपर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी से निकल सकता है अगर आपके 12th के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। IMU की वेबसाइट पर आप देख सकते हो इंडिया में 18 ऐसे कॉलेजेस हैं जो IMU से एफिलेटेड हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा IMU CET का एग्जाम देने के बाद आप उन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए जो DGA अप्रूव्ड हैं और या फिर IMU से एफिलेटेड हैं। तो इस एग्जाम का रिजल्ट जो हो 5 दिन के अंदर आ जाता है और आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है आपका रैंक कार्ड। तो वो रैंक कार्ड आपके पास होना जरूरी है DNS बैच में एडमिशन लेने के लिए। सो IMU के स्कोर कार्ड के साथ साथ आपके पास एक कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेटर भी होना चाहिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई आपके पास, एक तो आपने IMU CET का एग्जाम दिया हो, ठीक है, इस एग्जाम के बाद आपको एक रैंक कार्ड मिलता है, प्लस कंपनी स्पॉन्सरशिप हो। अब बात आती है कंपनी की स्पॉन्सरशिप मिलती कैसे है, ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई, IMU CET का एग्जाम प्लस में कंपनी स्पॉन्सरशिप इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ ट्रेनिंग या फिर एडमिशन इन कॉलेज। सो बहुत सारी शिपिंग कंपनीज हैं जो अपनी अपनी वेबसाइट्स पर डाल देती हैं कि हम कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम लेने जा रहे हैं, तो आप उनका वहाँ से फॉर्म भर के आप सिलेक्शन ले सकते हो तो आपको कंपनी की स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। अदरवाइज होता कि आप किसी कॉलेज को भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, आप किसी कॉलेज में जाओ उस कॉलेज का पहले एग्जाम दो, अगर वो कॉलेज आपको सेलेक्ट कर लेता है तो उस कॉलेज के अंदर खुद कंपनीज आती हैं बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए। तो अगर एक बार कॉलेज ने आपको सेलेक्ट कर लिया फिर कंपनीज आएंगी, उन कंपनी ने अगर आपको सेलेक्ट कर लिया और आपने IMU CET का एग्जाम दिया है तो फिर वो कॉलेज आपको एडमिशन दे देगा और फिर आपकी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब बात आती है इस ट्रेनिंग का नाम क्या है। देखिए अब जो आप ये ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो इसका नाम है 1 ईयर डेक कैडेट प्रीसी कोर्स। 1 ईयर डेक कैडेट प्रीसी कोर्स मतलब 1 साल का डेक कैडेट्स का, ठीक है, आप डेक पे ऑफिसर्स बनने जा रहे हो तो उसके लिए पहले ट्रेनिंग में आप डेक के कैडेट्स रहोगे। प्रीसी कोर्स, प्री मतलब पहले, सी मतलब समुंदर, कोर्स मतलब कोर्स, यानी कि समुंदर पे जाने से पहले जो आप कोर्स करते हो वो। तो ये 1 साल का कोर्स होगा। अब इस 1 साल का जो कोर्स है इनमें अलग अलग कॉलेजेस की अपनी अलग अलग फीस चल रही है। आज के टाइम आप मान के चलो नॉर्मली कम से कम 5 से 6 लाख रुपए इसकी 1 साल की फीस होती है। तो जैसे मैं अपने कॉलेज के बारे में अगर बात बताऊं तो मैंने जो ये ट्रेनिंग की थी वो ARI से की थी, ARI दिल्ली 2007 बैच, यानी 2007 में स्टार्ट हुआ और 8 में पास आउट हुए। कौन सा बैच था ये, अगस्त बैच, ठीक है, ARI दिल्ली। ARI का फुल फॉर्म है अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल। अब यहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग होती है और इस एक साल की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, एकोमोडेशन, रहना, खाना पीना, फूड वगैरह सब कुछ, आपकी यूनिफॉर्म, बुक्स, वहाँ पे कैप्टन्स होते हैं जो आपके क्लासेस लेते हैं, सुबह मान लो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपकी क्लासेस चलती हैं, दिन में आपको लंच वगैरह मिलेगा, शाम को PT टाइम होता है, सुबह PT होता है, शाम को स्पोर्ट्स टाइम होता है। तो एक तरीके से पूरी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, 1 साल में आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा कि अब आप शिप पे जाने वाले हो तो उनके इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई जाएंगी, फिर प्रैक्टिकली आपको शिप विजिट करवाई जाएगी और इसके ऐसे 1 साल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। सो कंप्लीट इन सब चीज़ों की मिलकर फीस करीब 5 से 6 लाख है जो आज के टाइम में चल रही है। जब मैंने किया था 2007-08 में ये कोर्स तब उस टाइम पर 2,17,000 शायद इसकी फीस थी ARI दिल्ली की और 25,000 फिर इग्नू के थे, हमारे टाइम पर इग्नू होता था 2007 में। 2008 में 14th ऑफ नवंबर 2008 के बाद से
ये IMU बन गया था। तो मैं इग्नू बैच से हूँ, मेरे बैच के बाद से IMU स्टार्ट हो गया था। तो अब जब ये पूरा एक साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बीच में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? DNS, डिप्लोमा इन नोटिकल साइंस। नोटिकल साइंस में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और आपको इसके साथ साथ एक चीज़ मिलेगी जिसको हम बोलते हैं CDC। मैं आपको पिक दिखा देता हूँ मेरी CDC की, ऐसी होती है दिखने में, ये पुराने ज़माने की है, करीब 10-12 साल हो गए इन चीज़ों को। CDC का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। बस ये जो CDC है ये ज़रूरी होती है किसी भी शिप पे चढ़ने के लिए, यानी ये एक प्रूफ है कि आपने वो सारे बेसिक कोर्सेज कर रखे हैं। इसके अंदर ये आई कार्ड की तरह दिखती है, गवर्नमेंट शिपिंग ऑफिस का ठप्पा होगा, ये आपका CDC नंबर। और जब भी आप किसी भी शिप पे चढ़ते हो और फिर उतरते हो, तो जब भी आप चढ़ोगे तो इस शिप पे एंट्री होती है कि आप इस तारीख को आपने इस जगह से इस शिप पे आपने ज्वाइनिंग की, और जब आप उतरोगे तो फिर से एंट्री होती है कि आप इस जगह से इस शिप पे उतर गए, और आपका शिप का जो कैप्टन है उस पे सील मार के साइन करता है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सबसे पहले 17 नवंबर 2008 को शिप पे चढ़ा था, कहाँ से? क्रिस्टोबल से। क्रिस्टोबल है अपना ये पनामा जो कैनाल है उसके जस्ट इस तरफ पे एक एंकरेज पॉइंट है, ठीक है। ये MV सनसुमा जहाज का नाम था, बहामाज में रजिस्टर्ड है। और फिर मैं 17 अप्रैल 2009 को उतर गया था। कहाँ से उतरा? सेंटोस से उतरा। सेंटोस ब्राज़ील में एक जगह है। मैं किस रैंक पे था? डेक कैडेट रैंक पे था। किस टाइप की वॉइस करती थी वो शिप? FGN, मतलब फॉरन गोइंग नेविगेशन। और ये हो गया शिप का ठप्पा और कैप्टन के साइन। उसके बाद जब मैं अगली शिप पे चढ़ा, उस शिप का नाम था MV बर्गन एरो। MV डिनोट्स मोटर वेसल, मोटर वेसल बर्गन एरो। कब चढ़ा? 28 मई 2009 को। कहाँ से? एंटवर्प से। फिर उतरा कहाँ से? पोर्टो मेड्रिन अर्जेंटीना में है। और 5 जुलाई 2010 को उतरा, और रैंक एज ए डेक कैडेट। अगेन शिप का ठप्पा और कैप्टन के साइन। तो एक साल की आपकी जो ये 1 ईयर डेक कैडेट प्रीसी कोर्स है, ये कंप्लीट होने के बाद वो कंपनी जिसने आपको स्पॉन्सरशिप दी थी, वो कंपनी आपको जहाज पे ट्रेनिंग करवाएगी। और वो कितने टाइम की होगी आपकी? 18 मंथ्स की। एक साल का कोर्स तो हो गया कॉलेज में, जिसका नाम है 1 ईयर डेक कैडेट प्रीसी कोर्स। उसके बाद 18 महीने सेलिंग करनी पड़ेगी एज ए डेक कैडेट, ठीक है। DCD नोट्स डेक कैडेट, यानी आपको 18 महीने जहाज पे अब ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और ये ट्रेनिंग आपको वो कंपनी करवाएगी जिसने आपको स्पॉन्सरशिप दी थी। तो अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कंपलसरी कर दिया है कि आपका IMU CET का एग्जाम क्लियर हो और किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप हो, ये दोनों चीज़ें होने के बाद ही आप अब जो है किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा स्टेप था। इससे हुआ क्या, पहले बच्चे एडमिशन ले लेते थे कॉलेज, उनको ट्रेनिंग करवा देते थे और जो कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप देती नहीं थी, फिर वो ट्रेनिंग हुई कंप्लीट, इतना सारा खर्चा लग गया, 5-6 लाख रुपये लग गए, एक साल चला गया, और अब उनको आगे कहीं जॉब नहीं मिल रही। तो अब ये चीज़ अच्छी हुई कि पहले कंपनी की स्पॉन्सरशिप मिलेगी, उसके बाद में ही अब कोई भी जो है आप कोर्स कर सकते हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो एक साल का कोर्स हो गया, उसके बाद 18 महीने आपको जहाज पे सेलिंग करनी है एज ए डेक कैडेट। अभी आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है कि हो सकता है वो आपके 6-6 के 3 कॉन्ट्रैक्ट मरवा दे, या हो सकता है 9-9 के 2 कॉन्ट्रैक्ट मरवा दे। कैसे भी करके आपको 18 से ज़्यादा महीने कंप्लीट करने होंगे जहाज पे, ठीक है। और वो गिनोगे कैसे? आपके CDC के ऊपर डेट मेंशन होती है किस तारीख से पे आप चढ़े, किस तारीख को आप उतरे, तो वहाँ से गिन लिए जाते हैं कितने महीने कितने दिन आप किस जहाज पे रहे। तो उन सबका जो टोटल है वो 18 महीने बनना चाहिए, चाहे कैसे ही बने। तो एक बार जब भी आपके 18 महीने पूरे हो गए, तो इन 18 महीनों के टाइम पे भी आपको थोड़ा बहुत कंपनी टू कंपनी थोड़ा बहुत जो है स्टाइफन मिलता है, हर कंपनी का थोड़ा अपना अलग है। तो नॉर्मली आप मान के चलो इन 18 महीने में आपको करीब $400 से $500 महीने के मिलेंगे, ठीक है, $400 से $500। अब आजकल डॉलर 70 से ऊपर गया हुआ है, हमारे टाइम में तो 50-55 पे ही फ्लक्चुएट करता रहता था, लास्ट में जाके कहीं 60-62 आ गया था जब मैंने छोड़ी थी उस टाइम पे। तो $400 से $500, अब 400 को 7 से गुणा कर लो 28,000, और 500 को 7 से करोगे तो 35,000, यानी करीब 30,000 रुपये आपको महीने के इस टाइम पे मिल जाएंगे जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे। ये बस खर्चा पानी होता है कि आपका चलो ठीक है थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, और रहना खाना पीना सब कुछ फ्री होता है, ये जहाज पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 18 महीनों में आपको जो है शिप पे काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक तो आप जो भी आपके नेविगेटिंग ऑफिसर होते हैं उनके साथ आप असिस्ट करोगे शिप चलाने में, आप देखोगे कैसे शिप चलाई जाती है, कैसे नेविगेशन किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें डेक पे आपको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। शिपिंग पेंटिंग करवाई जाएगी, कि जो डेक कैडेट होता है उससे लगभग सारे काम लिए जाते हैं, झाड़ू पोछा करवाने से लेकर शिप चलाने तक के सारे काम
उससे करवा लिए जाते हैं। इन 18 महीनों में बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। तो ये 18 महीने कंप्लीट करने के बाद अब आप घर आओगे वापस, और घर आके आपको करना क्या होगा, आपको पहला तो एक ये 4 महीने का फाउंडेशन कोर्स करना है, और इसके अलावा 4-5 कोर्सेज और हैं, जैसे GMDSS हो गया, PSCRB हो गया, इस टाइप के, कोई 1 हफ्ते का है, कोई 15 दिन का है। तो इस तरीके से ये सारे आपको कोर्सेज करने होंगे। इसमें भी थोड़ा बहुत खर्चा लग जाएगा, आप मान के चलो ये सारे कोर्सेज वोर्सेज करना आराम से करीब 1 लाख का खर्चा तो ये भी है। तो ये जो 4 महीने का फाउंडेशन कोर्स है, इसके बाद रिटर्न एग्जाम्स होते हैं, शायद 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें वही सब चीज़ें आपको पूछेंगे जो आपने जहाज पे प्रैक्टिकली देखी थी, जो इक्विपमेंट्स देखे थे उनके बारे में सवाल होंगे, और ये 4 महीने में आपको जो क्लासेस लगी थी इनमें भी बहुत कुछ सिखाया गया होगा। तो वे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आपने एग्जाम्स निकाल सकते हो, रिटर्न एग्जाम्स होंगे। और ये रिटर्न एग्जाम्स जब आप क्लियर कर दोगे, उसके बाद 3 ओरल एग्जाम्स होंगे। तो ये 5 या 6 रिटर्न एग्जाम्स, उसका 3 ओरल एग्जाम्स, जिसमें आप बोलते हो Function 1, Function 2 और Function 3। 3 ओरल एग्जाम्स का मतलब ये है कि आप एक तरीके से इंटरव्यू टाइप होंगे वाले एग्जाम्स, मतलब कि एक दो तो उसके अंदर सर्वेयर होंगे, एक इंटरनल सर्वेयर होता है MMD का, और एक एक्सटर्नल सर्वेयर होता है जो DG Shipping से आते हैं या फिर किसी एक्सटर्नल MMD से आते हैं। तो दो कैप्टन्स होते हैं, कैप्टन रैंक के बंदे, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको वर्बली आंसर करना है। तो कई बार हो सकता है आपको 3 ओरल्स एग्जाम जरूरी नहीं है कि बार में क्लियर हो जाएं, आप काफ़ी ब्राइट हो तो कर सकते हैं तीनों एक बार में क्लियर, नहीं तो हो सकता है कभी एक बार तीनों में फेल हो गए, या कभी एक में फेल हो गए फिर अगले बार दो निकाल दिए। तो एक बार जो आपने पास कर दिया वो कर दिया, उसके बाद उसको दोबारा अटैम्प्ट करने की जरूरत नहीं होती, जो बच गए फिर उन्हें पास करना होता है। सेम इज़ विद रिटर्न एग्जाम्स, रिटर्न एग्जाम्स जो एक बार पास कर दिया कर दिया, अगली बार आप वही दोगे जिसके अंदर आप फेल हुए थे। और ये लगभग हर 2 महीने में या हर महीने ये सब चलते रहते हैं एग्जाम्स। तो ये सब होने के बाद पहले आपने 1 साल कॉलेज में ट्रेनिंग ली, फिर 18 महीने जहाज़ पे ट्रेनिंग ली, फिर आके आपने ये सारे कोर्सेज किए, आपने रिटर्न एग्जाम्स निकाले, ओरल एग्जाम्स निकाले। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक प्यारी सी चीज़ देगी जिसको बोलते हैं COC, यानी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, जो कुछ कुछ ऐसी दिखती है, ये मेरी COC है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी COC। ये एक तरीके से लाइसेंस है भाई, कि गवर्नमेंट ने आपको कम्पिटेंट मान लिया है, एक सर्टिफिकेट दे दी है, उस सर्टिफिकेट में आपको कम्पिटेंट मानना है कि आपको एक सक्षम मानना है कि आप एक जहाज़ चला सकते हो। जैसे आप गाड़ी चलाने का लाइसेंस होता है, बाइक का लाइसेंस हो गया, 4-व्हीलर का लाइसेंस हो गया, इस तरीके से ये एक लाइसेंस है शिप को चलाने का। इसके अंदर ये कुछ कुछ ऐसा दिखता है, जैसे मेरा नाम है, ये मेरी COC है तो ऑफकोर्स मेरा ही नाम होगा। इसमें ये साफ साफ लिखा गया है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज सेकेंड मेट एज ए फॉरन गोइंग शिप। अब इस बात की सर्टिफिकेट है ये सिर्फ इस बात का लाइसेंस है कि मैं एज ए सेकेंड मेट किसी भी फॉरन गोइंग शिप पे सेल कर सकता हूँ, मतलब एज ए सेकेंड मेट को आप कह सकते हो एज ए सेकेंड ऑफिसर, कि ये इस लाइसेंस के साथ मैं एज ए सेकेंड ऑफिसर किसी भी फॉरन गोइंग शिप में मैं सेल कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें एक और एक ऐसी पिक होती है, बस इश्यू किस तारीख को इशू हुई, वो कब आपने एग्जाम्स पास किए थे वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। ये शिप की पिक है ड्रिल के टाइम की, ड्रिल के टाइम में ऑफिसर्स जो हैं वो क्रू को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे लाइफ राफ्ट या लाइफ बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है इमरजेंसी में। ये एक ब्रिज विंग के ऊपर की मेरी एक पिक है। तो ये सब होने के बाद जब आपको COC मिल गई, अब आप उसी कंपनी में वापस जाओगे जहाँ से आपने ट्रेनिंग की थी, या कोई और कंपनी आपको बुला रही है तो आप उसके पास भी जा सकते हो। अब वो कंपनी आपको जहाज़ पर चढ़ा देगी और एज ए क्या, थर्ड ऑफिसर। अब गवर्नमेंट ने जो COC दी थी उसमें तो कहा था आप एज ए सेकेंड ऑफिसर सेल कर सकते हो, लेकिन कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट सेकेंड ऑफिसर नहीं चढ़ाती, वो आपको क्या कहते हैं कि आप पहले थर्ड ऑफिसर चढ़ो। थर्ड ऑफिसर चढ़ गए, कुछ एक्सपीरियंस ले लो, 1-2 कॉन्ट्रैक्ट मार लो 6-6 महीने के, उसके बाद हम आपको ऑटोमेटिक प्रमोशन करके सेकेंड ऑफिसर बना देंगे। अब थर्ड ऑफिसर के टाइम पे आपकी सैलरी जो है वो डिपेंड करती है कि आप किस कंपनी में हो और उसके पास किस टाइप्स के शिप हैं। अब शिप अलग अलग कई तरीकों के होते हैं, जैसे कंटेनर शिप्स हो गए, बल्क कैरियर्स हो गए, जनरल कार्गो जो लेके जाते हैं, या टैंकर्स हो गए। अब टैंकर्स भी कई तरीके के हो गए, टैंकर्स में हो सकता है क्रूड ऑयल टैंकर है, या फिर केमिकल टैंकर है, या गैस टैंकर है। तो टैंकर्स में सैलरी ज़्यादा होती है, बल्क कैरियर्स और कंटेनर्स में सैलरी कम होती है। सो मोटा मोटा आप मान सकते हो यहाँ पे आपको लगभग $3,000-4,000 तो $3,000-4,000 आपको मंथली लगभग मिल जाते हैं जब आप थर्ड ऑफिसर में सेल कर रहे होते हो। और जब आपने 2 कॉन्ट्रैक्ट मार लिए या 3 कॉन्ट्रैक्ट मार लिए, जब भी कंपनी को लगा कि चलो ठीक है अब हम इसको प्रमोशन कर देते हैं, तो आपको प्रमोशन देके वो बना देंगे सेकंड ऑफिसर। सेकंड ऑफिसर में आप मान लो यही आपकी जो तनख्वाह है वो 4,000-5,000 USD हो जाती है। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए, मान लो किसी को 5 की जगह 5.5 मिल गई या 4 की जगह 4.25 मिले, तो बुरा मत मानना, ये डाटा जो है ये गर्व बता रहा हूँ मैं। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और ओकेजन टू ओकेजन आप
किस स्थितियों में, किस टाइप के, कितने एक्सपीरियंस के साथ, किस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो वगैरह वगैरह, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए आप मोटा मोटा 70 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो देखो, थर्ड ऑफिसर का काम क्या होता है जहाज़ में, जब आप थर्ड ऑफिसर हो, थर्ड ऑफिसर में आपको रात को 8 से 12 और सुबह 8 से 12, यानी 4 घंटे यहाँ पे और 4 घंटे यहाँ पे, यानी टोटल 8 घंटे आपको जहाज़ चलानी होगी। रात को 8 से 12 जहाज़ चलाओगे और सुबह 8 से 12 आप जहाज़ चलाओगे। और इसके अलावा जितने भी LSA FFA इक्विपमेंट्स होते हैं, LSA आपके हो गए लाइफ सेविंग अप्लायंसेज, FFA हो गया फायर फाइटिंग अप्लायंसेज, जैसे एक्सटिंग्विशर वगैरह, ये फायर फाइटिंग में जो चीज़ें काम आती हैं, लाइफ सेविंग हो गई आपका, लाइफ बॉय हो गया, लाइफ बोट, लाइफ राफ्ट, ये सब चीज़ें, उनकी मेंटेनेंस रखना, उनको देखना कि वो सारी चीज़ें ठीक हैं जहाज़ पे अच्छे से। सेकंड ऑफिसर बनने के बाद आपकी जो ड्यूटी है वो लगती है रात को 12 से 4 बजे तक चलाओगे आप, और दोपहर को भी 12 से 4 बजे तक चलाओगे जहाज, ठीक है, 8 घंटे। तो 4 घंटे आप रात को और 4 घंटे दिन में, टोटल 8 घंटे आपको जहाज़ चलानी होगी सेकंड ऑफिसर में। और इसके अलावा जो चार्ट करेक्शन, जो चार्ट्स होते हैं जहाज़ के ऊपर कि भाई किस पाथ पे आपको शिप लेके जाना है, नेविगेशन किस कैसे करना है, वो पैसेज प्लान वगैरह जो हैं, चार्ट के करेक्शन जो हैं, ये सब काम होता है सेकंड ऑफिसर का। जब आपका टोटल जब जो सी टाइम है थर्ड ऑफिसर और सेकंड ऑफिसर में मिलके जब 18 महीने का हो जाता है, तब आप मेट्स के कोर्सेज कर सकते हो। मेट्स का मतलब चीफ मेट, चीफ ऑफिसर। तो थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर बनने के लिए आपको किसी एग्जाम को क्लियर करने की जरूरत नहीं है, कंपनी आपको ऑटोमेटिक प्रमोशन दे देती है। लेकिन सेकंड ऑफिसर से चीफ ऑफिसर बनने के लिए आपको फिर से कुछ कोर्सेज करने होंगे और एग्जाम्स क्लियर करने होंगे। तो वो करने के बाद आप चीफ ऑफिसर बन जाते हो, और चीफ ऑफिसर में आपकी सैलरी हो जाएगी लगभग 6 से 8 हज़ार USD, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ बल्क कैरियर्स की, आप टैंकर्स में जाओगे और भी ज़्यादा सैलरी मिलेगी इससे। और फिर चीफ ऑफिसर के बाद जो नेक्स्ट, अच्छा, चीफ ऑफिसर के वॉच आवर्स क्या होंगे, एक तो शाम को 4 से 8 बजे तक जहाज चलाना है और सुबह 4 से 8 बजे तक जहाज चलाना है, ठीक है। ये 8 घंटे चीफ ऑफिसर जहाज चलाता है, यानी टोटल जो 24 घंटे हैं उनमें से 8 घंटे थर्ड ऑफिसर, 8 घंटे सेकेंड ऑफिसर और 8 घंटे चीफ ऑफिसर। पहले तीनों 4 4 4 घंटे, फिर से तीनों 4 4 4 घंटे, तो टोटल आपके 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके अलावा ओवरऑल जो डेक का इंचार्ज है वो चीफ ऑफिसर होते हैं, डेक पे किसको क्या काम असाइन करना है वो सब चीज़ें चीफ ऑफिसर डिसाइड करते हैं। और इसके ऊपर फिर एक ही रैंक बचती है, चीफ ऑफिसर के बाद जब आप एग्जाम्स आगे क्लियर करते हो तो आप बनोगे कैप्टन ऑफ द शिप, ठीक है। तो डेक की बात करें तो 4 ही ऑफिसर्स होते हैं, थर्ड ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और फिर कैप्टन, ठीक है। कैप्टन ओवरऑल इंचार्ज होते हैं शिप के, कम्प्लीट जो रेख देख जो करता धरता वो कैप्टन बोले जाते हैं, और बाकी के 3 ऑफिसर जो हैं वो अपने जहाज चलाते हैं। इसके अलावा इंजन में भी ऑफिसर्स होते हैं कुछ, जैसे थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर भी होते हैं वहाँ पे, और चीफ इंजीनियर और एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर होते हैं। तो नॉर्मली ये 8 से 9 ऑफिसर्स होते हैं जहाज पे। तो टोटल जो क्रू होता है जहाज पे वो लगभग 25 के आसपास का आप कह सकते हो, ठीक है। कहीं पे 22 भी हो सकता है, कहीं पे 28 भी हो सकता है, लगभग मैंने बता दिया एक जहाज पे 25 बंदे होते हैं, जिनमें से 9 तो ऑफिसर्स होंगे और बाकी के क्रू होंगे, जो इंजन के कुछ क्रू होंगे, कुछ डेक के क्रू होंगे, कुछ खाना बनाने वाले होंगे, चीफ कुक होंगे, स्टीवर्ड्स होंगे, ये सब लोग होते हैं। तो चलिए, ये एक मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। वैसे तो हर एक चीज़ के अंदर आप डीप में कितना भी जा सकते हो, मैंने एक मोटा मोटा ओवरऑल आपको एक आइडिया दे दिया कि भाई ये कंप्लीट जो है वो एक जेन्युइन प्रोसेस होता है। आपको कभी भी किसी भी एजेंट वेजेंट को ऐसे पैसे नहीं देने चाहिए, एजेंट पैसे ले लेगा आपका, टाइम खराब करेगा, आपको कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन दे देगा जो DG अप्रूव्ड ही नहीं है, आपको ऐसे सर्टिफिकेट दे देंगे जो सर्टिफिकेट्स कभी कहीं काम ही नहीं आएंगी, उन सर्टिफिकेट से आप जहाज पे चढ़ ही नहीं सकते हो। या जो आपको जो मैंने CDC दिखाई थी, इंडियन CDC की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, हो सकता है आपको वो पनामा की या पता नहीं कहीं की ऑस्ट्रेलिया की CDC पकड़ा देंगे जिसको कोई पूछता ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। तो चलिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।